वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर हैरियत होंगे। मेरा नाम है नूरवल्ती। तो दोस्तों, आज से हमारे गांव में खेतीबाड़ी का काम शुरू हो चुका है। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को हमारे गांव में किस तरह से लोग खेतीबाड़ी करते हैं ये दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रैक्टर सारे आए हुए हैं हल चलाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर सारे पहुँचे हुए हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी धूप भी नहीं निकला है। देख सकते हैं ट्रैक्टर सारे आए हुए हैं। ये खेतों के मनाजिर हैं, पहाड़ पे भी आप देख सकते हैं अभी सूरज नहीं निकला है। अभी हम हमारे खेत में पहुंचे हैं, काफी लोग खेतों में पहुंच गए हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हल चला रहा है। हर कोई अपने अपने खेतों में काम करने में मसरूफ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक चाचा भी काम कर रहे हैं। अच्छा जो ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा जो सही जो, अच्छा जो, अच्छा जो, ये यार, अच्छा टोटो कहते हैं इसको। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा सही, ठीक है। अच्छा जो, अभी आपका कौन सा खेत है? आपका खेत कौन सा? अच्छा आपका नीचे है। अच्छा अच्छा, ये भी है। अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अच्छा अभी ख़त्म हो गया है, अभी आपको खेतीबाड़ी करना ख़त्म हुआ है? अच्छा थोड़ा सा है माशाल्लाह। अच्छा सही सही ठीक है, शुक्रिया। ठीक है जी, यह मेहरबानी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो हल चलाने से पहले ये देसी खाद है, इसको पूरे खेत में इस तरीके से फैला के फेंका जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरे खेत में इस तरीके से फैला के फेंका जाता है। ये देसी खाद है जिससे फसल बेहतर होता है। अभी देसी खाद को फैलाने के बाद इस तरीके से लाइन खींचा जाता है, ऊपर से नीचे लकीर लगाया जाता है। लकीर लगाने से बाद में बीज बोने में आसानी होता है। अभी ये बाजारी खाद है जो खरीद के लाते हैं दुकानों से। अभी इसको बोया जाएगा पूरे खेत में। बीज बोने का अमल शुरू हो चुका है। खाद के बाद अभी बीज बोया जा रहा है, लोग देख सकते हैं। इस तरह से पूरे खेत में बीज बोया जाएगा। ट्रैक्टर आ चुका है हल चलाने के लिए। यहाँ पर ये लोग ये भी बहुत जबरदस्त मोटर है हल चलाने के लिए। ट्रैक्टर से हल चलाने का मन शुरू हो चुका है। आज
से कुछ साल पहले यहाँ पर जब ट्रैक्टर मोटर वगैरह नहीं होता था तब सब लोग जो पालते थे उससे हल चलाया जाता था। अभी ये ट्रैक्टर मोटर वगैरह आ चुका है तो लोगों ने जो पालना शुरू किया है, लोग ट्रैक्टर और मोटर के जरिए हल चलाते हैं। चलाने का अमल ख़त्म हो चुका है, अभी ब्रशिंग करने का टाइम है। अभी आप लोग देख सकते हैं, इसको हमारी ज़बान में ब्रशिंग करना कहते हैं। हल चलाने के बाद खेतों में जो गड्ढे बन जाते हैं उसको प्लेन करने के लिए यह किया जाता है, इसको मकामी ज़बान में ब्रशिंग करना कहते हैं। इससे खेत मुकम्मल प्लेन हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ये काम ज़्यादातर औरतें करती है। अभी ब्रशिंग के बाद फिर से लकीर खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, इसी तरीके से पूरे खेत में लकीर खींचा जाएगा। लकीर खींचने के बाद इस लकीर के ऊपर छोटे छोटे मिट्टी के बन बनाए जाते हैं, या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बन बनाए गए हैं। इसको हमारे ज़बान में शू फ्यूमा कहते हैं। ये छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं ऊपर से नीचे, इससे पानी लगाने में आसानी होता है, पानी डालने में खेतों में। ये फाइनल लुक है खेत का, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर शुभ्यूमा तकरीबन क्लियर हो चुका है। बाद में इसमें पानी डाला जाता है एक एक करके खानों में। ये आप लोग देख सकते हैं, इस खेत में पानी डाला गया है। ये वो लोग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।